आगे कंटिन्यू हम कर दें अपनी स्टोरी में। अब उसका जो हाथ था वो दर्द तो हो ही रहा था और भगवान को वो कंटिन्यू याद कर ही रहा था। इसके बाद वो कहता है, नो अ रॉड मेड ऑफ द मिल्टन फायर। वो कह रहा था मुझे ऐसा फील हुआ कि जो एक रॉड होती है ना, लोहे की जो रॉड है, वो रॉड कैसी होती है, मुझे तो रॉड के अंदर कस दिया है और उसमें आग ही लगा दी हो, ऐसी कंडीशन हो गई मेरी, ऐसा कह रहा था वो। वॉज स्लोली बट द पावरफुली क्रश्ड माई आर्म एंड द आर्म वॉज द बिगिनिंग टू द ड्रेन ऑफ ऑल द स्ट्रेंथ, वॉट कुड आई डू। कहता अब मैं क्या कर सकता था, मेरे पास तो शक्ति ही नहीं थी कि मैं कुछ कर सकता था। इट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी एंड डेथ लग 4 inches अवे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरी डेथ है वो केवल 4 inch दूर है मुझसे। सपोज इफ स्ट्रक्ड, मैंने सपोज किया कि चलो वो मेरे मुझे डस ही लेगा। वट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन सी मेडिसिन खाऊंगा। भले ही मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि जो स्नेक काट लेता है तो मैं कौन सी दवाई खाना चाहिए। देर वर नो मेडिसिन इन द रूम, मेरे रूम में तो एक भी मेडिसिन नहीं है जो कि स्नेक के काटने पर दी जा सके। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड द स्टूपिड डॉक्टर, मैं तो बिल्कुल मूर्ख ही डॉक्टर हूँ और बिल्कुल बेवकूफ़ डॉक्टर हूँ। आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल फ्रीली एट माई सेल्फ। उतने समय डर के समय भी उसको अपने आप के ऊपर हंसी आ गई कि मुझे कितना बेवकूफ़ बोलना चाहिए कि मैं डॉक्टर होकर के वो टेबलेट मैंने अपने पास नहीं रखी। इट सीम्स एज इफ द गॉड अप्रिशिएट दैट द स्नेक टर्न इट्स हेड, मतलब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि काश भगवान ऐसा करें कि उसका जो सिर है वो पलट दे उस तरफ। इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, और ऐसे ही होता है वो जैसे ही उसका ध्यान, स्नेक का ध्यान मिरर की तरफ जाता है, मतलब मिरर में देखेगा तो उसको कौन दिखाई देगा, स्नेक ही दिखाई देगा है ना, उसकी इमेज दिखाई देगी उसको। तो आपने कभी देखा है जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनको मिरर में यदि हम उनकी फोटो दिखाते हैं तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, खेल करेंगे उसके साथ। तो जैसे ही वो स्नेक मिरर के अंदर देखता अपना रिफ्लेक्शन, आई डोंट कम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इन टू द मिरर। वो कहता है डॉक्टर मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि कोई स्नेक अपने आप को मिरर में देख रहा हो, क्योंकि इसके पहले डॉक्टर देखता है तो वो कितना खुश होता है देख के, बोलता है मुझे मेकअप कर लेना चाहिए, तो मुझे ऐसे अपने हेयर रखने चाहिए, तो वो कॉम करता है अपने हेयर को देख के खुश होता है। तो वो जब देखता है स्नेक देखता है तो वो कहता है मैंने तो पहली बार देखा है कि स्नेक भी मिरर देख रहा हो। बट इट वॉज द सर्टेन दैट द स्नेक वर लुकिंग इन टू द मिरर, वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी। मैं सोच रहा था क्या ये भी अपने आप की तारीफ कर रहा होगा कि मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ। कौन इसने अपनी खुद की तारीफ कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या पता करेगा भी तो मुझे थोड़ी सुनाई देगा, क्योंकि वो इसको बता के थोड़ी करेगा, बोलेगा थोड़ी। वॉज इट ट्राइंग टू मेक द इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट द ग्रोइंग द माउथ स्टिंग एंड द यूजिंग द आई शेडो, क्या वो अपने आप को खुद के बारे में सोच रहा होगा कि उसे भी आईब्रो बनानी चाहिए या फिर उसे मूछें रखनी चाहिए, इस बारे में क्या सोच रहा होगा वो। एंड मस्करा जो लगाने वाला होता है ना मस्करा, तो क्या वो भी सोच रहा होगा कि मुझे भी मेकअप करना चाहिए। एंड वेयरिंग अ बर्मेलिन स्पॉट इन द फॉरहेड, क्या उसे फॉरहेड में भी कुछ चीज़ लगानी चाहिए। आई डिडंट नो एनीथिंग फॉर द सर्टेन, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, वो कहता है मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये मेल वाला है कि फीमेल वाला है। वॉज इट मेल और फीमेल, आई विल नेवर नो। फॉर द स्नेक अनबाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म्स एंड स्लोली स्लाइडर इनटू माई लैप, और वहाँ से वो हाथ में से उतर के उसकी गोद में आता है। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड इनटू द टेबल, और गोद में से धीरे से वो टेबल के ऊपर सरक जाता है टुवर्ड्स द मिरर एंड परहैप्स इट वॉन्टेड टू एंजॉय द रिफ्लेक्शन इट द क्लोजर क्वार्टर, और वो क्या करता है अपने आप का जो रिफ्लेक्शन होता है वो उसको दिखाई देता है और उसको एंजॉय करने लगता है। एंड वॉन्टेड टू एंजॉय रिफ्लेक्शन इन क्लोजर क्वार्टर, आई वॉज नो मोर इमेज, नो मेयर इमेज कट इन द सेंटर एंड आई वॉज सडनली अ मैन टू फ्लेश द ब्लड एंड
स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ। जैसे ही वो स्नेक उसकी गोद से जाता है वो कहता है मेरी तो जान में जान आ गई, मैंने सांस लेना शुरू किया। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं चेयर से उठा, क्वाइटली वेंट टू थ्रो द डोर, और मैं दरवाजे के पास गया एंड इन टू द वरांदा, जो उसका वरांदा होता है हॉल, वहाँ पर जाता है। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड, और मैं वहाँ से आंगन में चला जाता हूँ। एंड रन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ, और वहाँ से मैं दौड़ लगाता हूँ। प्यू ईच ऑफ अस हैव द फाइन रिलीफ एंड समबडी आस्क, किसी ने उससे पूछा डॉक्टर इज योर वाइफ वर्थ इट, क्योंकि अपन ने पहले डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि वो जो डॉक्टर की वाइफ वो कहता है ना कि मेरी शादी हो तो उस लड़की से होनी चाहिए जो कि दुबली पतली हो। दुबली पतली लड़की क्यों हो? दुबली पतली लड़की क्यों हो कि यदि हमारी लड़ाई हो जाए और यदि मुझे भागना पड़े तो वो मोटी रहेगी तो मुझे पकड़ नहीं पाएगी, है ना, इसलिए मेरी वाइफ मोटी होनी चाहिए, दुबली नहीं होनी चाहिए। परंतु रियल में उसकी जब शादी होती है तो वो दुबली पतली से ही होती है। तो वही डॉक्टर बताता है कि नो द डॉक्टर सेड द वेल अदरवाइज माई लाइफ कंपेनियन इज द थिन, बहुत पतली रहती है, रीड पर्सन एंड गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर इन समवन एल्स। डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, जब आप भागे थे तो क्या स्नेक ने आपका पीछा किया था? तो वो कहता है कि आई रैन एंड द रैन टिल द रीच द फ्रेंड हाउस, मैं अपने फ्रेंड के हाउस में गया था और इमीडिएटली आई स्मार्ट टू ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टू का बाथ, और मैंने जाके सबसे पहले नहाया, मैं फ्रेश हुआ, मैंने कपड़े चेंज करे, और दूसरी मॉर्निंग को 8:30 बजे मैंने अपने फ्रेंड को लिया और 2 अदर लोगों को लिया, और वहाँ से वो रूम से सारे सामान मैंने बाहर निकलवा लिए और अपने सारे सामान वहाँ से हटा लिए, मतलब मैंने वो रूम ही चेंज कर दिया। नहीं नहीं वो उसने क्या किया, जब वो वहाँ गया रूम के पास तो उसने रूम में देखा कि उसके पास उसके रूम में ना तो कपड़े हैं ना तो सामान है, चोरी हो गया, वो सारे चोर ले गए। उसने सोचा था ये कि मैं रूम चेंज कर लूँगा, कि मैं वहाँ से सामान खाली करके और दूसरी जगह रूम ले लूँगा, क्योंकि यहाँ लाइट भी नहीं है और स्नेक भी आ रहा है। तो वो खाली करने के पर्पज़ से गया वहाँ पर, तो वहाँ देखता है कि जो चोर रहते हैं उसका सारा सामान चोरी करके ले जाते हैं, और उसके फ्रेंड को लेके जाता है वो कि सामान वामान उठवा लेगा ये सोच करके, तो वहाँ सामान ही नहीं मिलता, सब चोर ले जाते। माई थिंग्स फ्रॉम देयर बट द फाउंड अ लिटिल कैरी सम थीव दैट रिमूव मोस्ट ऑफ द माई थिंग, दो तीन चीज़ें चोरी नहीं करी थी चोरों ने, वो क्या थी वो सुनो, द रूम हैड बीन क्लीन, रूम क्लीन था, द थीव हैड लेफ्ट बिहाइंड माई थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट एंड इट वॉज दैट, उसकी जो वेस्ट होती है ना, द डॉक्टर सेड माई वेस्ट, मतलब अंदर पहनने वाली जो बनियान होती है वो बहुत गंदी रहती है, तो चोर उसे चोरी नहीं करते हैं। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ द क्लीनलीनेस, जरूर वो साफ सफाई पसंद करने वाले होंगे इसलिए चोरी करके नहीं ले गए। इंदर वो कहता है द रास्कल कुड हैव टेकन इट, मतलब कोई बेवकूफ़ ही होता जो उसको लेकर के जाता, एंड वो मुझे छोड़ गए वो भी धोने के लिए, एंड इट आफ्टर द वॉशिंग इट सोप इन द वाटर, साबुन लगता धोने के लिए इसलिए चोर चोरी करके नहीं ले गए। डिड यू सी एनी स्नेक इन द नेक्स्ट, डॉक्टर से वो पूछते हैं क्या तुमने फिर कभी जिंदगी में स्नेक देखा। द डॉक्टर को हंसी आ जाती है और वो कह देता है आई हैव नेवर सीन, उसके बाद मैंने कभी स्नेक नहीं देखा, बस मैंने उसी समय देखा ना जब मैंने उसकी स्नेक की ब्यूटी देखी थी, मतलब वो अपने आप को मिरर में देख रहा था। वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर हियर, थैंक यू सो मच क्लास।